मम्मी पापा धमकी देता है कि दोनों जान मान देंगे, हमको लड़का घर में आना है, हमको किसी को मतलब मामा से बोलता है धमकी दे। किसको कौन धमकी देता है? मम्मी पापा किसको जान से मारने के लिए? हम दोनों को। हम दोनों काहे धमकी देते हैं? कि शादी किए हैं। कब शादी किए थे? एक साल पहले। एक साल पहले फिर क्या हुआ था आगे बताइए। आगे हुआ कि दोनों जान मान पिन शादी कर पिन घर में बांध कर लग गया, पिन हम भाग गए घर लड़का। आपको आपके परिवार वाले ही बांध करके रखे? हाँ। कितना दिन रखे बांध कर? एक साल लगा था। एक साल तक घर में बांध के रखे थे? हाँ घर में। फिर कब भागे आप? हम कल भागे 6 बजे शाम में। कल भागे फिर कहाँ? अपने पति के पास? हाँ पति के पास। अभी पति के पास आए थे। एसएसपी सर से मिले, क्या बोले आप अंदर में? एफिशन बड़ा कौन चीज ठीक है जा। आप अपनी शिकायत बताया? हाँ अच्छा बता दिए। बता दिए। हाँ। कहाँ घर है आपका? हसनगंज। हसनगंज। हाँ। पति का घर कहाँ है? जरलाई। कहाँ? जरलाई। क्या नाम हुआ आपका? निशु कुमारी। पति का? कोपीहली। आप पिताजी का नाम? शिवोच्चा। कौन धमकी देता है आपको मारने का? पिताजी? पापा मम्मी मामा सब। पापा मम्मी मामा सब धमकी देते हैं। थाना में भी कहीं केस करवाए हैं? हाँ भवनगंज। हम दोनों अपना मर्जी शादी किया, ये हमको पसंद किया, हम इसको पसंद किए, घर में गार्जियन इसका राजी नहीं है। लड़का को बोलता है कि जहाँ देखेंगे मार देंगे तुमको, लड़का को या लड़की दोनों को। एक इसका मामा, क्या नाम है मामा का? रंजन। वो बोला, और इसका मम्मी है, थाना में पैसा कौड़ी दे दिया था अगला साल, तो दोनों को पैक कर दिया। उसके बाद इसको अलग रखा, हमको अलग रखा, उसके बाद इसको रात में ले गया, फिर उसके बाद घर से इसको लवा सुना सिंदूर उन्दूर धो के लेकर आया थाना पे, फिर थाना से हमको वहाँ पे रखा, इसको छोड़ दिया, हमसे फिर पैसा लिया छोड़ने का, कत्ता लिया 1500 रुपये लिया छोड़ने का। वो बवरगंज थाना, मेरा थाना पड़ता है यहाँ। क्या बताऊँ, अभी यहाँ आए थे सर के पास अपना इंसाफ मानने। क्या बोलते हैं एसपी सर? क्या बोल एसएसपी सर बोल रहा है, उसको फ़ोन किया बबरगंज थाना में कि लड़का लड़की क्या मैटर है, तो भाई बोला कि ठीक है लड़का और लड़की को ध्यान देना, कुछ हुए नहीं। कहाँ घर है आपका? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक। कितने दिन पहले शादी किए? एक साल हो गया मेरा शादी का। 2021 में शादी किए थे, अभी सब चीज़ें मेरे पास। शादी कहाँ हुई थी? शादी गोनू धाम में किए थे। मंदिर में? मंदिर में। विरोध करते थे? हाँ शादी विरोध करते थे पूरा। आए तो आदमी लगा दिया था मेरा घर पे। हम दोनों घर कहाँ है? मेरा जरलाई गोरट्टा चौक हुआ। पापा का नाम? पापा का नाम हुआ महेश हरी। का नाम? इसका बबरगन असरगन हुआ। ससुर का नाम क्या हुआ? सुबोसा। तो आप लोग बताइए मेरा, हम दोनों की इंसाफ कीजिए, शादी किए को गलती तो नहीं है किए? दोनों बालिग हो ना? दोनों बालिग हैं, कोई गलती नहीं। इसका मम्मी आता है, पुलिस लेकर आता है घर में। प्रेम संबंध में थे आप दोनों? हम दोनों 2 साल से प्रेम कर रहे थे। कैसे मिले थे दोस्तों? मतलब चौक पे जाते थे, पूजा पाठ का दिन था, गए थे मेला वाला घूरने, तो उसी में हो गया था भेंट उठ, तो बात उत होने लगा, ये हमको पसंद करने लगा, हम इसको पसंद करने लगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ गोपी हरी। ठीक है। उनका कहना था कि उन्होंने प्रेम विवाह किया है और उनको ये खतरा है कि घर के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। हालांकि जो लड़की के परिजन है वो थाना पहुँचे हुए हैं FIR दर्ज करने के लिए, तो थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो सुनिश्चित करें, लड़की का कोर्ट में स्टेटमेंट करवा दें, उम्र का सत्यापन करा दें, अगर वो बालिग हैं तो उसमें फिर कोर्ट निर्णय लेंगे, और अगर नाबालिग है तो उसके हिसाब से कोर्ट निर्णय लेगा। लड़की ने सर बताई थी कि उसके माँ बाप उसको घर पर बांध कर रखे थे, इस मामले पर भी सर जाँच होगी क्या? जैसा भी वो आवेदन देंगी उसके हिसाब से जाँच की जाएगी।